अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सा एक यूनिक सा मैजिक लेके आया हूं। फ्रेंड्स, ये आयरन आप वाच कर रहे होंगे, इस पर बहुत ज़्यादा जलने के निशानात आ चुके हैं। इसकी बेसमेंट इंतहाई ख़राब हो चुकी है और ये कपड़ा भी पकड़ना शुरू हो गया है। तो टेलरिंग टूल में आयरन का जो यूज़ होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो आज मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक ऐसा मैजिक शेयर कर रहा हूँ जो हमें एक बहुत प्यारे भाई ने हमें ये शेयर किया था। और यकीन जानिए, जब मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे भी इसका मैजिकली रिजल्ट मिला और मैं वाकई हैरान हो गया। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन करवा दूं। फ्रेंड्स, ये समुद्री झाग है, ये किसी भी पंसार स्टोर पे इजी अवेलेबल होती है और आप वहाँ से जाके ये इजी बाय कर सकते हैं। ये पाकिस्तानी रुपीज़ में फ्रेंड्स मैंने 60 से 70 रुपये में ये पीस लिया है। और ये देखें, ये काफ़ी मकदार में ये मौजूद है और मुझे उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह मुझसे इतनी जल्दी ये ख़त्म नहीं होगा। और 50-60 रुपए में आप इस किस्म का ये पीस लेके इंशाल्लाह आपकी आयरन, जब भी यानी इस किस्म की आपका इशू आए तो आप अपनी आयरन को इस तरह क्लीन कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्ती और मैजिकली ट्रिक है। आप इसको इंशाल्लाह क्लीन होता हुआ ख़ुद भी देखेंगे। तो आप इंशाल्लाह हम इसको मैजिक को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको मैजिकली इसको परफॉर्म करके दिखाता हूँ। इसके लिए मैं आपको एक एहतियात बता दूँ कि आपने आयरन का मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने कोलगेट के ज़रिए इसको स्क्रब करके आपको इसको साफ़ करने का तरीका बताया था। उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन उसमें इसमें वीडियो में और उस वीडियो में ये डिफरेंस है कि उसमें फ्रेंड्स हम ये ऊपर वाला भी सारा पोर्शन नीट कर सकते हैं। आप इन दोनों वीडियो को मिक्स करके आप अपनी आयरन को भी साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखें, बहुत ज़्यादा ये डस्ट है, लेकिन अगर आप इसको कोलगेट की मदद से साफ़ करेंगे जो उस वीडियो में मैंने तरीकाकार बताया हुआ है, तो ये आपके तमाम इश्यूज़ सॉल्व हो जाएंगे और आपकी आयरन बिल्कुल न्यू हो जाएगी। तो अभी हम मैजिक स्टार्ट करते हैं फ्रेंड और इसको अप्लाई करते हैं। आपने आयरन का जो पावर है वो आपने ऑफ नहीं करनी, इसको आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे ऑन रखना है। ये देखें फ्रेंड्स, इसकी पावर ऑन है। इसके अंदर बल्ब इस वक्त सामने नहीं है, मे बी शायद नीचे कहीं पड़ा हुआ है, तो लेकिन यहाँ से जज हो रहा है कि इसके अंदर पावर ऑन है। नॉर्मल टेम्परेचर पे इस पर आपने रखना है और आपने इस जो समुंदरी झाग है आपने इसको करना है इसके ऊपर स्क्रब। तो ये देखें फ्रेंड, इस जगह पे, जिस जगह पे हमारा बहुत ज़्यादा ये जलने के निशानात हैं, हम इसको स्क्रब करते हैं। और ये एक चाक मिट्टी की तरह ये इसकी कंडीशन होती है। हम इसको, ये देखें फ्रेंड, इस तरह आपने इसको स्क्रब करते रहना है। और स्क्रब करने के बाद ये देखें, आपकी ये तमाम जो काला पाना, ये देखें फ्रेंड्स, आपका आयरन का उतरना स्टार्ट हो चुका है। ये देखें फ्रेंड्स, मज़ीद फर्क पड़ चुका है। फ्रेंड्स, मैं वीडियो को रोक के बार बार स्क्रब को भी रोक के मैं आपको इसकी कंडीशन दिखा रहा हूँ। ये देखें, बिल्कुल हमारा वाइट पोर्शन है और ये देखें हमारा तमाम ये ब्लैकपन, इसके ऊपर जो लगा हुआ था जला हुआ हमारा हिस्सा, वो देख लें ये उतर रहा है। और ये बिल्कुल वाइट पाउडर की शक्ल में होता है, लेकिन जब ये इसके साथ स्क्रब होकर नीचे गिरता है तो ये देखें ये ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। वाइट पाउडर हमारा स्क्रब होने के बाद ब्लैक में कन्वर्ट हो रहा है। तमाम हमारी मैल और जितनी भी डस्ट इस आयरन के साथ थी, ये देखें इस कंडीशन में नीचे आ चुकी है। अब हम इस स्क्रब को मज़ीद मेंटेन रखते हैं ताकि ये हमारे थोड़े से जो मज़ीद ये डस्ट के निशानात हैं ये भी उतर जाएँ। तो जी फ्रेंड्स, हमारी आयरन काफ़ी हद तक क्लियर हो चुकी है। अब हम इसको साफ करते हैं।
तो ये देखें फ्रेंड्स, आप विजुअल में देख सकते हैं आयरन जो पहली बार आप इसकी कंडीशन थी, आप उसमें और इसमें डिफरेंस आप देख सकते हैं। तमाम जो ब्लैकिश आपका एरिया जला हुआ था वो तमाम तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और ये हमारी समुद्री झाग, और इसको आप यूज़ करके गाहे बगाए इंशाल्लाह आप अपनी आयरन को मेंटेन रख सकते हैं। अभी ये बहुत ज़्यादा इसका पोर्शन जला हुआ था, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर ब्लैकिश सी डस्ट जमी हुई थी, तो इस वजह से ये आप देख सकते हैं जो भी डस्ट ये उतरी है। तो नेक्स्ट टाइम आप जब भी इसके ऊपर माइनर सी अगर डस्ट आए तो आप इसको स्क्रब करके उतार देंगे, तो इंशाल्लाह ये डस्ट मज़ीद आगे नहीं बढ़ेगी। और जब बहुत ज़्यादा इसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो उस वक्त इसके आपके आयरन की कंडीशन ये हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपके कपड़े भी जलना शुरू हो जाएंगे, आपकी आयरन भी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी और आपको भी प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की हमारी काविश आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी, और अगर आपने अभी तक अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अरहम कलेक्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसके साथ दिए गए बेल के आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप सब दोस्तों के पास सबसे पहले पहुँच सके। तो आपसे फ्रेंड्स मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी अच्छी सी वीडियो में, जब तक के लिए सोहने रब देह वाले।